अब हम लोग डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल्स की और उसके बाद फिर हम लोग डिजिटल सिग्नल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे तो so, देखो एनालॉग सिग्नल्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपोजिट सिंपल का मतलब क्या होता है ओनली वन साइन वेव सिर्फ एक ही साइन वेव है हमारे पास सिग्नल में जैसे हमने ये बनाया दैट इज सिंपल एनालॉग सिग्नल और कंपोजिट का मतलब क्या होगा मल्टीपल साइन वेव मतलब ये देखो हमने काफी सारी साइन वेव बनाई है दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कंपोजिट एनालॉग सिग्नल ठीक है ओके okay, तो अब पहले हम लोग डिटेल स्टडी देखेंगे सिंपल एनालॉग सिग्नल की और सिंपल में भी कौन सा पीरियॉडिक ठीक है तो अब हम लोग डिटेल स्टडी देखेंगे पीरियोडिक सिंपल एनालॉग सिग्नल्स की ठीक है सिंपल एनालॉग सिग्नल्स और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे शिफ्ट होते जाएंगे ठीक ओके okay. तो so, हम लोग अब देखेंगे सिंपल एनालॉग सिग्नल्स दैट इज पीरियॉडिक अब तीन बेसिक टर्म्स है इसमें जो हमें अपने माइंड में रखनी है पहली है एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज फेज ठीक है ओके तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है इट इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ठीक है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे

और T3 थ्री टाइम पे क्या है 1.5 अच्छा इनकी यूनिट्स क्या क्या है 1, 2, 1 क्या है 1 1.5 यूनिट्स कैन बी इधर वोल्ट्स और वाट और एम्पियर ठीक है तो यूनिट कैन बी इधर वोल्ट वाट और एम्पियर यही मैंने पॉइंट लिखा भी है इट कैन बी मेजर्ड इन वाट्स वोल्ट्स और एम्पियर ठीक है ओके अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड टाइम पीरियड क्या होता है अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय सिग्नल टू कंप्लीट वन साइकिल और पैटर्न पैटर्न एक pattern को कंप्लीट करने में कितनी देर लगती है सिग्नल को दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड तो आप समझ रहे हो ना मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली हम लोग पीरियडिक सिग्नल की ही बातें कर रहे हैं ठीक है ओके तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं जैसे देखो ये एक पैटर्न है ना सो लेट अस सपोज हाँ, ये एक पैटर्न ये एक पैटर्न तो अब मैं मान लेता हूं दिस टाइम पीरियड इज से वन सेकेंड ठीक है दिस इज वन सेकेंड तो लेट अस सपोज टाइम टी इसको लगा मतलब एक पैटर्न को रिपीट करने में टाइम टी लगा दूसरे पैटर्न को भी रिपीट करने में ऑब्वियसली कितना टाइम लगा होगा टी क्योंकि सेम ही है ना साइकिल तो सेम ही है ओके okay, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे टू टी इज इक्वल टू वन सेकेंड

तो हमने ये डेफिनेशन लिखे है ना कितना टाइम लग रहा है सिग्नल को एक, तो एक तो टी टी साइकिल तो मतलब कितनी देर में फ्रीक्वेंसी okay. अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ पर सेकेंड तो आप समझ रहे हो बिल्कुल उल्टा हो गया टाइम पीरियड के एकदम उल्टा टाइम पीरियड क्या कह रहा था कितनी देर लग रही है मुझे एक साइकिल को कंप्लीट करने में और फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है कितनी साइकल्स कंप्लीट हो रही है एक सेकंड में ठीक है ओके तो और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्नल कितनी जल्दी सिग्नल चेंज हो रहा है ठीक है तो आप मुझे आराम से देख के बता सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी कितनी साइकल्स हमने एक सेकंड में कंप्लीट की है ऑब्वियसली दो साइकिल कंप्लीट करी है तो फ्रीक्वेंसी विल बी टू ठीक है, ओके और फ्रीक्वेंसी की यूनिट याद रखना क्या होती है हर्ट्स, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा फॉर दिस सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज टू हर्ट्स ओके okay. फ्रीक्वेंसी इज टू हर्ड्स और यहां टाइम पीरियड क्या कह रहा हूं वन बाई टू सेकेंड तो आई थिंक समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होगी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी आप आराम से ही इस चीज को चेक कर सकते हैं ठीक है तो पर सेकेंड या सेकेंड का इन्वर्स दैट इज हर्स ये बात याद रखना ठीक है ओके तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ड्स होगी और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी सेकेंड्स ओके जनरली ये चीज हम लोग फॉलो करेंगे और आई थिंक एक टेबल में बना देता हूं जिससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी जैसे मैं मान लेता हूँ मेरा टाइम पीरियड अगर सेकेंड्स में चल रहा है तो फ्रीक्वेंसी किस में चलेगी हर्ड्स में चलेगी मैं उसको एच आर डेट ऐसे ले देता हूँ हर्ड्स ठीक है और अगर टाइम पीरियड मेरा मिली सेकेंड में है ठीक है मतलब टेन पावर माइनस थ्री हो जाएगा ना तो हर्ड्स तो ये कितना हो जाएगा टेन पावर थ्री हर्ड्स तो टेन पावर थ्री हर्ट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं किलो हर्ट्स ओके किलो हर्ट्स उसके बाद फिर अगर टाइम पीरियड मेरा माइक्रो सेकंड में चल रहा होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेगा हर्ट्स और अगर ये नैनो सेकेंड में चल रहा होगा टाइम पीरियड देन वी विल गेट गीगा हर्ट्स ठीक ओके और पीका पीको सेकेंड्स में अगर चल रहा होगा तो हमारे पास आ जाएगा टेरा हर्ट्स ठीक है समझ रहे हो ना सेकेंड क्या हो जाएगा टेन पावर जीरो मतलब वन टेन पावर थ्री क्योंकि वन अपॉइंट टेन पावर माइनस थ्री विल बी ऑब्वियसली टेन पावर थ्री है ना और ये कितना हो जाएगा टेन पावर सिक्स ये टेन पावर नाइन और ये टेन पावर ट्वेल्व ठीक है ये टेबल अपने माइंड में अच्छे से रखना क्योंकि क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको और समझ आ ठीक है? Okay. देखो, पहला हर्ट तो फ्रीक्वेंसी फाइव मेगा हर्ट हमें गिवन है और हमें टाइम पीरियड निकालना है दट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन देखो पहली चीज ना इसमें जो भी गलती हो सकती है आपसे एग्जाम में वो होगी यूनिट्स में यूनिट्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले टेबल दिखाई थी तो उसी गिवन में में है।, तो है तो हम आराम सेकेंड्स में, में तो आप क्या बोलना देखो फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड इज अपॉन एफ तो वन अपॉन फाइव क्योंकि फाइव मेगा तो वन अपॉन फाइव हो तो जाएगा आप यूनिट आप चुपचाप से लिख दो इसकी माइक्रो सेकंड

या हंड्रेड नैनो सेकेंड या आप इसको बोल सकते थे पॉइंट टू माइक्रो सेकेंड एंड सॉन्ग ठीक है आ, तो अब देख लेना जिस भी का ऑप्शन होगा हम उस हिसाब से टिक लगाएंगे तो वही चीजें सिर्फ यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है और कोई इसमें खास बात नहीं है टेक्निकलिटी तो कुछ है ही नहीं बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं अच्छा नेक्स्ट है इफ टाइम पीरियड इज हंड्रेड नैनो सेकेंड

तो फिर हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम बोल सकते हैं वन थाउजेंड अपॉन हंड्रेड यू कैन से मेगा हर्ट्स है ना गीगा हर्ट से एक नीचे में चला जाऊंगा मतलब एक स्टेप नीचे दैट इज मेगा हर्ट्स तो वन थाउजेंड अपॉन हंड्रेड मेगा दैट इज okay? बेसिक, बेसिक सी चीजें हैं अगर आपको नहीं आती हैं तो प्लीज इसको यहीं पे समझ लो क्योंकि ये एग्जाम में आएंगी तो शायद आपको कंफ्यूजन में डाल सकती हैं चीजें ठीक है बस एक एक किस्म से टेबल आपके माइंड में होगी तो आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल्स को बहुत इजिली सॉल्व करेंगे तो स्टाइल या मैथड बेस्ट मैथड मैंने आपको बता दिया है <coughs> जो यूनिट यहाँ पे गिवन है उसी यूनिट को यहाँ पे लिख लो टेबल के अकॉर्डिंग और उसके बाद फिर करते रहो जो करनी है ठीक है ठीक अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर अगर स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम ग्राफ मेरे को कुछ ऐसा गिवन है मतलब स्ट्रेंथ एकदम कॉन्स्टेंट चल रही है चेंज नहीं हो रही तो आप मुझे फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड बताओगे इसका मैंने आपको क्या बताया था फ्रिक्वेंसी क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्नल तो यहाँ पे चेंज तो सिग्नल हो ही नहीं रहा तो फ्रीक्वेंसी विल बी वट जीरो

टाइम जीरो के रिस्पेक्ट में मैं पोजीशन देखूंगा वेव की दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फेज एग्जांपल ऐसे समझो जैसे हमने ये एक वेव बनाई तो इसकी पोजीशन या मतलब हम फेज शिफ्ट देखेंगे दैट विल बी जीरो डिग्री और जीरो रेडियन ठीक है अच्छा अब ऐसे समझो जैसे ये ये टोटल वेव बनेगी ना पूरी तो मैंने वन फोर्थ वेव को पीछे शिफ्ट कर दिया ना हम ऐसे समझ सकते हैं तो वन फोर्थ वेव को अगर हमने पीछे शिफ्ट किया तो हम फेस शिफ्ट उसका क्या बोलते हैं नाइनटी डिग्री और पाई बाई टू रेडियन ठीक है? अच्छा अब इसमें देखो क्या किया मैंने एक किस्म से मैंने आधी वेव पीछे शिफ्ट कर दी समझ रहे हो ना जैसे ये हमारी पूरी वेव है तो मैंने एक किस्म से आधी वेव पीछे शिफ्ट कर दी तभी हमारे पास कुछ इस टाइप से वेव बन के आई इसमें हम लोग बोलेंगे फेस शिफ्ट वन डिग्री दैट इज पाई रेडियन और अगर मैं ऐसे समझो ये देखो तो मैंने एक किस्म से थ्री फोर्थ वेव अगर मैं वेव के फोर पार्ट्स मानूं जैसे इसके अंदर चार टुकड़े मानूं मैं तो थ्री फोर्थ वेव मैंने पीछे शिफ्ट कर दी है तो हम इसको फेस शिफ्ट क्या बोलते 270 और थ्री पाई बाई टू रेडियन आई थिंक समझ में आ गया होगा फेस शिफ्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है कि क्वेश्चन अब बहुत सिंपल सामने दिया है कि इफ साइन वेव इज ऑफसेट वन सिक्स ऑफ ए साइकिल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरोन वट इज द फेस ओके तो साइन वेव ऑफसेट है ऑफ ए साइकिल अच्छा एक बात ये भी समझो यहाँ पे जैसे अगर मैं आप टू से ऊपर अगर मैं पूरी वेव पीछे शिफ्ट कर देता पूरी वेव अगर पीछे शिफ्ट कर देता तो फाइनली मेरे पास यही वेव एक किस्म से बन के आती ना तो मैं इसी वेव को बोल सकता हूँ या तो जीरो डिग्री फेज शिफ्ट या थ्री सिक्सटी डिग्री फेज शिफ्ट और जीरो रेडियन या फिर हम बोल सकते हैं टू पाई रेडियन ठीक है अब इस क्वेश्चन को करने में हमें आसानी होगी तो मैंने आपसे पूछा था क्या फेज शिफ्ट होगा इसका तो बहुत सिंपल है ऑफ ए साइकिल पीछे गई है तो पूरी साइकिल कितनी है टू पाई रेडियन है ना तो वन बाय साइकिल गई है तो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा पाई बाय थ्री रेडियन और अगर आपको डिग्री में निकालना है तो डिग्री हम लोग कैसे बोलेंगे वन बाय सिक्स इंटू थ्री सिक्सटी डिग्री पूरा पूरी वेव शिफ्ट होने का मतलब थ्री सिक्सटी डिग्री है और हमने वन सिक्स वेव पीछे शिफ्ट करी है दैट इज वन बाई सिक्स ऑफ थ्री सिक्सटी डिग्री दैट इज सिक्सटी डिग्री ठीक है ओके तो बहुत सिंपल है फेज में कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल मैंने थोड़ा सी आपको इंट्रोडक्शन दे दी है ठीक है ओके एक प्रॉपर्टी और देखते हैं दैट इज वेवलेंथ ये कोई बेसिक प्रॉपर्टी तो नहीं है क्योंकि बेसिक तो हमारी तीन ही थी एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और फेज ठीक है ये हमने तीन प्रॉपर्टी देखी थी ये बेसिक क्यों नहीं है क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम देखेंगे इसको तो वेवलेंथ क्या होती है डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय वन वेव ऑन ट्रांसमिशन मीडिया तो ट्रांसमिशन मीडिया पे

अगर हम स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ देखेंगे तो एक वेव ने कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई किया है दैट इज द वेवलेंथ और वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लैम्डा ठीक है और जनरली हम लोग इसको मीटर्स में मतलब यू कैन से मेजर करेंगे बाकी तो खैर जो भी यूनिट होगी वो हम लोग देख लेंगे बट जनरली मीटर्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा ठीक है ओके तो आई थिंक फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम तो वही हम लोग बोल देंगे विल बी सी टी तो अब समझ में आ गया ना ये टाइम पीरियड पे डिपेंडेंट है सी तो क्या है सी इज स्पीड ऑफ लाइट या यू कैन से स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग मान के चलेंगे थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है ये तो कांस्टेंट है ना एक किस्म से ये तो चेंज नहीं हो रही तो यू कैन से वेवलेंथ इज डिपेंडेंट ऑन टाइम पीरियड ना इसलिए मैंने इसको बेसिक प्रॉपर्टी नहीं कहा था क्योंकि टाइम पीरियड पे एक किस्म से डिपेंडेंट है या दूसरी तरह से हम ऐसे भी बोल सकते थे क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता था वन अपॉन एफ तो हम बोल सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ ठीक है फ्रीक्वेंसी ओके okay, ठीक है तो सी हमें मान के चलना याद रखना अगर कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड हम लोग मान के चलेंगे अदरवाइज जो वो देंगे हम लोग मान लेंगे टू इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड कई बार टू पॉइंट फोर इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड बोल देते हैं एंडसॉन so जो दिया हुआ होगा हम लोग मान लेंगे बट बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना ठीक है ओके अब क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है फाइंड वेवलेंथ ऑफ सिग्नल इफ टाइम पीरियड इज थ्री माइक्रो सेकंड तो टाइम पीरियड हमें थ्री माइक्रो सेकंड गिवन है और वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट c t तो c कितना होगा 3 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड टाइम पीरियड टाइम पीरियड कितना गिवन है थ्री माइक्रो सेकंड तो थ्री माइक्रो सेकंड अब प्लीज वही बात है यूनिट्स की ही गलती होगी एग्जाम में और कोई गलती नहीं होगी यहाँ पे सेकंड्स में है ना तो प्लीज इसको भी सेकंड में लाओ तो टेन पावर सिक्स सेकंड्स हो जाएगा सॉरी टेन पावर माइनस सिक्स सेकेंड्स तो ये किसम से सेकेंड सेकंड कैंसिल तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा ये थ्री इंटू थ्री दैट इज नाइन तो नाइन हंड्रेड मीटर्स ठीक है ये चीज ध्यान रखना प्लीज यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना यूनिट्स का ही मिस्टेक होगी आपसे एग्जाम में ठीक है ओके तो वेवलेंथ विल बी 900 मीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड वेवलेंथ ऑफ सिग्नल इफ फ्रीक्वेंसी इज 600 मेगाहर्ट्ज ओके हां तो फार्मूला क्या लगेगा लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ तो सी सी कितना लेंगे हम लोग 3 10 8 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमें 600 मेगाहर्ट्ज तो 600 10 6 हर्ट्स हो जाएगा ये हर्ट्स क्या होता है पर सेकेंड तो एक किस्म से ऊपर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड हो जाएगा समझ रहे हो ना तो ये सेकेंड सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो थ्री इंटू टेन पावर एट था नीचे और नीचे कितना आ गया सिक्स हंड्रेड इंटू टेन पावर सिक्स तो ये कितना बच गया टेन पावर टू सो दैट इज थ्री हंड्रेड अपॉन सिक्स हंड्रेड और ये कितना निकलेगा आंसर मीटर्स में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट मीटर्स ओके 0.5 मीटर विल बी माय आंसर ओके तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और बिल्कुल फ्री के नंबर हैं अगर एग्जाम में पुट होंगे तो आपको डायरेक्ट मार्क्स दे सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस और बस ध्यान किसका रखना है यूनिट्स का यूनिट्स का अच्छे से जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको ऐसे कट कर, कर करके लिखोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी ठीक ओके okay.